नगर निगम प्रशासन द्वारा महानगर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के क्रम में नाइट शिफ्ट में शहर के प्रमुख 13 बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में कार्यों को सकुशल संपादित किया जा सके, इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश के क्रम में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी लगातार भ्रमणशील रहकर कार्यों को करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, रात्रिकालीन सफाई और नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था नगर निगम गोरखपुर के द्वारा शहर के लगभग 13 मार्केटों में की जा रही है, जहां पे डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ रात्रिकालीन साफ सफाई स्वीपिंग भी हो रही है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के द्वारा रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शहर के मुख्य मार्ग जो बड़े बड़े मार्ग हैं, वहाँ पे भी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही है। साथ ही साथ जो शहर के प्रमुख कॉमर्शियल मार्केट्स हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और ईटरीज़ हैं, वहाँ पे चूँकि गंदगी काफ़ी होती है और रात्रि में 10-11 बजे जब वो अपनी दुकान बंद करते हैं तो सारा कूड़ा सड़कों पर ही फेंकते हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम गोरखपुर ने ऐसे सभी जगहों पर एक व्यवस्था बनाई है जहाँ पर रात्रिकालीन उनसे कूड़ा लिया जा रहा है, ताकि कूड़े का निपटान नगर निगम के द्वारा दी जा रही गाड़ियों के द्वारा ही किया जाए, सड़कों पर ना फेंका जाए। इसी के क्रम में निरंतर प्रतिदिन हमारी पूरे नगर निगम की टीम, अधिकारियों की टीम किसी न किसी एक जगह पर जाके निरीक्षण कर रही है। मेरे स्वयं के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ पर हम रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था, साथ ही साथ डोर टू डोर कलेक्शन और तथा यूजर चार्जेस के संबंध में जो यूजर चार्जेस नहीं दे रहे हैं उनसे यूजर चार्जेस भी लिया जा रहा है, और जो गंदगी फैला रहे हैं, जो डस्टबिन नहीं रख रहे हैं, उनका भी चलन काटा जा रहा है। तो ये व्यवस्था लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, आगे भी निरीक्षण इस तरीके से करते रहेंगे, ताकि शहर के जो मुख्य बाजार हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी